सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्यनाथ नाग भस्म के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो नाग भस्म है, कई लोग इसको नाग भस्म भी बोलते हैं और ये बहुत सारी कंपनियों का आता है। तो इधर मैं वैद्यनाथ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वैद्यनाथ काफी अच्छी कंपनी है और काफी लोग जो है नाग भस्म खरीदते हैं ना, तो वैद्यनाथ कंपनी का ही खरीदते हैं। लेकिन आप कोई सी भी कंपनी का खरीद सकते हो, तो खरीदना कहाँ से? तो देखिए, जो भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहां से आप इसको खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो एक बार जो है आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, तो घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हो। तो देखिए, ये जो नाग भस्म है ना, कोई नाग के द्वारा नहीं बनाया गया है या कोई सांप के द्वारा नहीं बनाया है, ये जो है एक आयुर्वेदिक नेम है नाग भस्म। और इधर नाग का मतलब निकल के आता है लेट, या आप इसको सीसा भी बोल सकते हो। तो इसको आप लेट भस्म भी बोल सकते हो या सीसा भस्म भी बोल सकते हो। जैसे कि भाई स्वर्ण भस्म होता है, मोती भस्म होता है, या फिर लोह भस्म होता है, तो वैसे ये लेट भस्म है और सीसा भस्म है। तो इसको जो है आयुर्वेद में जो है नाग भस्म बोला जाता है। तो भाई ये जो नाग भस्म है ना, लेड द्वारा या सीसे द्वारा बनाया गया है, और इसमें बहुत सारे कार्बनिक सब्सटेंस भी मिलाए गए हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियां भी मिलाई गई हैं, और ये सब मिला के जो है तैयार किया गया है नाग भस्म। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है, आप जो है शुगर के मरीज हैं, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको दस्त होते हैं, या फिर पीलिया बार बार हो जाता है जिसको हम ज्वाइंटिस बोलते हैं, या फिर आपको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि एसजीओटी बढ़ जाता है, एसजीपीटी बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो। या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा के मरीज हो, या फिर आपको खांसी चलती है कफ वाली और छाती में आपके कफ जम गई है, तो उस कंडीशन में भी जो है नाग भस्म को लिया जाता है। इसके अलावा आपका वजन गिर रहा है, वजन कम हो रहा है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमारा वजन क्यों कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो। और मसल्स आपके वीक हो रहे हैं, या फिर मसल्स लॉस हो रहे हैं, तो आपको जो है नाग भस्म लेना है, आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस हो गया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझको एनर्जी की कमी है, तो उस कंडीशन में भी आप ये ले सकते हो, और आपकी स्टेमिना भी ये जो है बढ़ाता है नाग भस्म। इसके अलावा अगर आपका पेट दर्द होता है, और खास तौर से गुर्दे में पथरी हो जाती है जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं, उस कारण अगर आपका पेट दर्द होता है, या फिर हर्निया के कारण, तो उस कंडीशन में भी नाग भस्म काफी यूजफुल होता है। इसके अलावा अगर आपको खून की कमी रहती है, आप एनीमिया के पेशेंट हैं, तो उसमें भी ले सकते हो। या फिर आपको यूरिन बार बार लगती है, या फिर यूरिन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो उस कंडीशन में भी आप जो इसको ले सकते हो। या फिर आपको पाइल्स है, बवासीर है, कब्ज है, और कोई घाव हो गया है और घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है नाग भस्म को ले सकते हो। और इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। तो भाई देखिए, हम खाना खाते हैं, और खाना जब हम खाते हैं, तो शरीर जो क्या करता है कि विटामिन और मिनरल्स खाने से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है विटामिन मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में भी नाग भस्म ले सकते हो, काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा पेट में कीड़े हो जाते हैं, और पेट में कीड़े के कारण कई बार होता क्या कि हमें पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है नाग भस्म ले सकते हो, आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो है, जो लेडीज होती हैं, लेडीजों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि गोनोरिया हो जाता है, लीकोरिया हो जाता है, तो उसमें भी लेडीजों को काफी फायदा मिलता है। इस प्रकार से जो है दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इधर आपको समझ में आ गया कि नाग भस्म अगर आप लेते हो, तो कितनी सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। तो अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं, कैसे आपको लेना है। तो देखिए, 62 मिलीग्राम से लेके 125 मिलीग्राम तक लेना होता है इसको, या फिर मैं ग्राम में समझाऊं, तो आप आधे ग्राम से लेके 1 ग्राम तक इसको ले सकते हो, और एक दिन में 2 बार तक ले सकते हो। और इसको जो है कुछ भी खाने के बाद लेना है, मतलब कुछ भी नाश्ता किया, खाना खाया, तो उसके आधे घंटे बाद इसको लेना होता है। लेकिन इधर जो है आपको एक ही बार लेना है, मैं प्रिफर करूंगा भाई एक बार लीजिए, अगर एक बार से फायदा नहीं मिलता है, तो इसको जो है आप 2 बार तक ले सकते हैं। तो एक बार लीजिए और आधा ग्राम ही लीजिए, और उससे फायदा नहीं मिलता तो 1 ग्राम लीजिए, उसके बाद भी फायदा नहीं मिलता है तो 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को, इस प्रकार से आप इसको ले सकते हो। और इसको जो है दूध के साथ ले सकते हो, और शहद के साथ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो शहद के साथ ना लें, नहीं तो आपको जो है फायदा नहीं मिलेगा। और मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट जो लेडी हैं, इसको नहीं लेना है, क्योंकि प्रेग्नेंसी में जो है अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं ली जाती है, और बच्चों को भी नहीं देना है। और अगर बच्चों को देना है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, डॉक्टर से सलाह कर लें, तभी इसको लें। अब भाई इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो देखिए साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन
जब भी कोई चीज की हमको ओवरडोज हो जाता है, कोई भी मेडिसिन हम ओवरडोज में ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमको साइड इफेक्ट होता है, लेकिन हमको इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमको लो डोज से चालू करना है, आधे ग्राम से चालू करना है, आधे ग्राम से फायदा नहीं मिलता है तो 1 ग्राम पर हमको जाना है। अब भाई कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हो। कोई भी मेडिसिन आपकी चल रही है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों ना हो। अब भाई रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट कब तक मिलेगा? तो देखिए, कम से कम आप 1 महीना लीजिए, 1 महीने में आपको फायदा मिल जाएगा। और 1 महीने में फायदा नहीं मिलता है तो कम से कम इसको 3 महीने लेके देखिए, 3 महीने में आपको जरूर बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं। तो भाई ये बैद्यनाथ की जो नाग भस्म है काफी अच्छी है और काफी इसके फायदे हैं। तो इधर प्राइस के बारे में बता देता हूं, तो 10 ग्राम की एक बोतल आती है जो कि आपको 184 रुपीज में मिलेगी। तो देखिए प्राइस जो है समय के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ी सी कॉस्टली जरूर है ये, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है कमेंट द्वारा जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।